आया पर संतान का सुख नहीं था, गर्भ नहीं ठहर रहा था, बहुत तकलीफ में जिंदगी निकल रही थी। दिल्ली तक हमारा इलाज चला पर संतान का सुख नहीं मिला गुरुजी। तब मेरे परिवार के मेरी माताजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुन, एक लोटा जल शिवजी पर जल चढ़ा और एक बेलपत्री चढ़ा, सफेद आंख की जड़ को कमर में बांध, लोगों के 20-20 साल में संतान हुई है तो तेरे तो 7 साल हैं, कोई बात नहीं होगी। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था, टेस्ट बेबी भी फेल हो चुकी थी, बाबा की कृपा से आपने 2022 में सावन के महीने में जो शिवलिंग का अभिषेक ऑनलाइन करवाया था गुरुजी, हमने टीवी के सामने बैठकर शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया और उसी के 3 दिन बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज मेरे गोद में मेरी संतान। बच्चा लेकर आए हो? ले आओ, ले आओ जल्दी, आप यहीं बीच में सह जाओ, इधर बीच में सह जाओ। हाँ, लिया बीच में से, इधर बीच में जगह है ना, इसमें से लिया, वहां लिया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी गुनगुनाइए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ खड़ा हूँ नंदे पाहे बसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर अब तो न डारो, गिरी जा रही हो उठा लो उठा लो। शिव तत्व को जान, और जो जान गया भगवान शंकर की कृपा को, एक लोटे जल की महत्वता को जो पहचान गया, एक लोटे जल की महत्वता को जो जान गया, एक बेलपत्री के महत्व को जो जान गया, उसने जीवन में सर्वस्व पा लिया। सर्वस्व, एक लोटे जल की महत्वता को जो जान, बस निवेदन इतना ही है कि हृदय से चित्त से मन से भाव से दिल से हम जब शंकर जी के मंदिर में जाएं, हम जब शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाएं, तब हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत बधाई बाबू। शिव तत्व को जिसने जाना, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा। जो मांगा दिल से, सती ने मांगा था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, सती माता का शरीर जलकर भस्म हो गया। भोलेनाथ जी ने मांगा था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, राम जी का दर्शन भोलेनाथ जी को हो गया।
शिव महापुराण तो वो पुराण है, कल्प वृक्ष की तरह है शिव पुराण, जो मांगते हैं हमें वो प्राप्त हो जाता है। शिव तत्व देता ही देता है। देता है शिव तत्व, शिव देता है। महाराज समझाया उसको, जाए माता सती को समझाया, मेरे देवाधिदेव महादेव ने समझाया, जिन्होंने हाथी का स्पर्श किया था उसको समझाया, ये दीवार नहीं है, ये पंखा नहीं है, ये डाली नहीं है, ये जड़ नहीं है, ये तना नहीं है, ये पाइप नहीं है, हाथी का स्वरूप जो समझ जाए उसको समझा। और जो समझे ही ना उसको समझाने की जरूरत भी नहीं। जो समझ जाए उसको समझा दो। और कितना कहीं ना कहीं शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव पुराण, ये तो फिर कहूंगा। सुनील खेतान जी बहुत बहुत भाग्यशाली है आपका परिवार, फिर कहूंगा पूरा परिवार भाग्यशाली है जो शिव महापुराण की कथा आपको मिली और इस नेपाल देश के मध्य प्रदेश के इस वीरगंज में इस कथा को आपने करवाकर जनमानस को श्रवण करवाया। कभी कभी भाग्य, जबलपुर में 1 जून से कथा थी, वो कथा परमिशन ना मिलने के कारणवश कैंसिल हो गई थी, 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ और माइक से किसी ने सुन लिया कि वो 1 जून वाली कथा कैंसिल हो गई, तो तुरंत औरंगाबाद के प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी आमदार सी और पहुंच गए और उन्होंने 1 जून से, हमने यहां से कार्यकर्ताओं को कहा कि अब 8 दिन बचे हैं, ये कथा कैंसिल हो गई तो रहने दो, अब इसको छोड़ो, इस बीच में बाबा के दर्शन कर ही आएंगे। ना ना ना, हमने उनसे भी कहा जयसवाल जी आमदार हो आप विधायक हो, 7 दिन में कहां कथा की तैयारी होगी, तो उन्होंने कहा जब परवणी के सांसद जी कथा की तैयारी 7 दिन में कर सकते हैं तो हम भी संभाजी नगर छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर औरंगाबाद में तैयारी कर सकते हैं। और 1 जून से 7 जून तक बड़े आनंद के साथ मार्केट कमेटी के सामने जो ग्राउंड है जलगांव रोड छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में 1 जून से 7 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करें। सत्यम शिवम सुंदर, इन 3 के महत्व को जो शंकर भगवान के त्रिपुंड पर है, शंकर भगवान के त्रिनेत्र पर है, शंकर भगवान की त्रिवेद पत्र पर है, शंकर भगवान के त्रिशूल पर है, वो सत्यम शिवम और सुंदरम के महत्व के साथ छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से 1 जून से 7 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे कथा का रस तत्व ग्रहण करें। कहीं किस्मत है, खेतान परिवार का साधु था, बहुत बहुत साधु था, एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। एक किसी ने पत्र लिखा है उसमें तो उन्होंने लिखा कोई, उन्होंने लिखा है गुरुदेव हम खेतान परिवार से भी पहले श्री निरंजन स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने खेतान परिवार के द्वारा ये कथा यहां करवाई। ये शिव तत्व। और एक ने जो पत्र लिखा है वो भी सुन लो जरा अच्छे से, हो तुम ये तुम्हारे नेपाल वाले चतुर बहुत हैं, एक बात तो है। मैं नीरज अग्रवाल मुजफ्फरपुर बिहार भारत देश से आया हूं, आप ही हैं, बहुत जोरदार बात लिखी है नीरज जी आपने, हो
गुरु जी आप जैसे शिव महापुराण में कहते हैं वैसा वैसा हमारा परिवार करता, और खूब खुशियां हमारे परिवार में आ गई। पहले तकलीफें थी, बाबा ने सब दूर कर कर आज खुशियां दी। पर एक बात हमारे मन में थोड़ी सी खलती है, ये आस्था चैनल के कैमरे सही करवाइए। इसका एक ही कारण है, ये आस्था वाले आपको 50 साल का डोकरा दिखाते हैं टीवी पर हकीकत में आपसे देखते हैं मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप 50 साल के थोड़ी ना हो। हम तो ये कैमरे वालों से कहेंगे कि कैमरा ठीक करवाएं, इसमें आप 50-60 साल के दिखते हो। तो हम केवल इतना ही कहने के लिए यहाँ आए हैं मुजफ्फरपुर से, हमको देखना था ये 50 के हैं कि 25 का। नीरज अग्रवाल साधुवाद आपको, अब आपने ओरिजिनल में देख लिया ना जितने के हैं वो भोलेनाथ को मालूम है। अलमस्त रहो, आनंद बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को जानो, अपनी अविरल भक्ति को जानो, और जिसने शिव तत्व को पहचान लिया, जान लिया। माता सती नहीं जान पाई थी कि मैं कुंभज ऋषि की यहां कथा सुनने जा रही हूं तो मेरे साथ में होगा क्या, मैं बैठकर अगर मन में कुछ विचार लेकर आऊंगी तो मुझे जलकर भस्म होना पड़ेगा। ये सती मैया को नहीं मालूम था। आप तो कथा में जाकर बैठ जाते हो, आपके मन में क्या आ रहा है किसी को नहीं मालूम, पर आपको वो प्राप्त होता है कब, जब हम शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक श्रवण कर लेते हैं तो बाबा वो प्रदान कर ही देता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, ये आपके चित्त पर। सती मैया जल कर भस्म हो, समझाया मेरे भोलेनाथ जी ने, मत जा। नहीं मानी, ज्ञान उसको दिया जाए, समझाया उसको जाए जो समझ जाए। रावण को समझाने का प्रयास विभीषण ने करा था, रावण को समझाने का प्रयास विभीषण कर रहे थे, बार बार समझाने का प्रयास करा, विभीषण समझ जा। विभीषण ने समझाया रावण को, भैया समझ जाओ, भैया समझ जाओ। रावण समझने को तैयार नहीं था, लात मार दी, धक्का दे दिया, चले गए। जब दुनिया ठोकर मार देती है, जब दुनिया लात मार देती है, ठोकर मार देती है, तब व्यक्ति ठोकर खाकर परमात्मा की शरण में पहुंचता है, तब पहुंचता। सती मैया भी गई, समझाया, ना मानी, ना मानी तो पहुंच। और सती मैया पहुंच गई अपने पिता के यहां यज्ञ में। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, बहुत बड़ा। शिव जी का तो अपमान दक्ष प्रजापति ने पहले ही कर दिया था। ससुर के आने पर जमाई ने उठकर जब प्रणाम नहीं करा था तो क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ करा है पर तुमने मेरा आदर नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए थे क्योंकि उनको ससुर का श्राप आशीर्वाद लग रहा था। जो हर परिस्थिति में खुश रहना जानता है वो आनंद की जिंदगी जीना जानता है, वो आनंद की जिंदगी जीना। हर परिस्थिति में जिसने अच्छा सोचा, शंकर भगवान को श्राप लगा कि तुम शमशान में निवास करोगे, भोलेनाथ जी हर परिस्थिति में खुश रहते थे, उन्होंने उसमें भी अच्छा देख लिया। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, मेरे दक्ष प्रजापति ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, किसी का ससुर ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे प्लाट भी दिया तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शमशान में रहने के लिए प्लाट दिया है तो वहां कब्जा कौन करेगा। अच्छा देखा, आप अच्छा देखो, अच्छा दिखेगा। अच्छा देखो, हर परिस्थिति में अच्छा ढूंढने का प्रयास करो। आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।